Hi guys, welcome back to my channel Vani Style Vlog. So कैसे आप सब? So guys, आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी एक न्यू मेकअप जो कि आप इस मॉनसून में कर सकते हैं. वैसे मॉनसून में मेकअप जितना कम किया जाए उतना बहुत बेटर है, बिकॉज इससे आपके पोर्स ओपन हो सकते हैं, प्लस एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है एंड लॉट्स मोर. सो इमीडिएटली अगर आपको किसी इवेंट में जाना पड़ सकता है तो उसके लिए आप कैसा मेकअप करें तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा. आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगा एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो गाइस मैंने अभी जस्ट फेस वॉश किया है. मेरे फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नॉट इवन अ मॉइस्चराइजर, जैसे क्लियर स्किन. एंड कुछ भी मेकअप अप्लाई करने से पहले मेक श्योर आपका जो स्किन है वो क्लियर हो. तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ फर्स्ट दिस फेस सीरम बाय वेट एंड वाइल्ड, जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग है. इसमें थोड़े ग्लिटर पार्टिकल्स हैं जो बहुत अच्छा फेस को शाइन देता है, ग्लो देता है. तो मैं इसे एज अ बेस प्राइमर यूज़ करूँगी. तो मेक श्योर गाइस आप भी मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, चाहे वो रेनी सीज़न हो, कैसा भी सीज़न हो, आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है एंड सनस्क्रीन भी. तो नेक्स्ट ब्रोज़ को भी आप सेट कर सकते हैं विद दिस वेट एंड वाइल्ड का ब्रो पाउडर. तो इसको मैं अच्छे से अपने ब्रोज फिल कर रही हूँ इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से, क्योंकि ब्रोज अगर आपके प्रॉपरली अच्छे लगेंगे, फिल लगेंगे, तो आपका होल मतलब 75% आई लुक आपका बहुत अच्छा लगता है इससे. तो ये मैं इसके स्पूली से इसके सेटिंग कर लूँगी और दूसरी साइड भी मैं अपने ब्रोज फिल कर लूँगी अच्छे से एंड ये स्पूली ब्रश की हेल्प से इसको प्रॉपर इवनली स्प्रेड कर दूँगी अपने आईब्रोज में. तो ये जो इसके साथ ये वाइट सा पाउडर सब दिया हुआ है, इससे इसके जो आईब्रोज है बिल्कुल पैक रहेंगे. कुछ ये सोपी सा इफेक्ट होता है जिससे आईब्रोज बिल्कुल पैक्ड रहेंगे, खिलेंगे नहीं, जैसे आप रखोगे वैसे ही रहेंगे. और नेक्स्ट अब फेस पे मैं अप्लाई करूँगी आज कंसीलर, क्योंकि मुझे नहीं लगता फाउंडेशन की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि कंसीलर इज़ बेस्ट. और ये इससे पहले मैं लूज पाउडर यूज़ करी मेबलिन का फिट मी, जो कि बहुत बहुत अमेजिंग है. ये इसको पहले अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे अपने, ताकि जितना भी ऑयल है वो सब हट जाए और बिल्कुल मैट फिनिश रहे मेरा स्किन. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एले प्रो गर्ल का बेज शेड है मेरा ये. उसके साथ भी मैं ये हैक है गाइस, अगर आप इसके साथ थोड़ा पाउडर लूज पाउडर मिक्स कर लोगे तो मैटिफाई फिनिश रहेगा आपके स्किन फेस पे. इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई वेयर आई रिक्वायर्ड. सो मैं अंडर आइज में, अपर आईलिड्स में, सब जगह अप्लाई कर लूँगी. और जो लेफ़्ट ओवर है उसको जहाँ मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, एक्ने मार्क्स है, उस वहाँ पे अप्लाई करूँगी. और ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट स्पॉन्ज को पूरा इसका पानी निचोड़ के आप इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करें, ताकि ये पूरा इजीली ब्लेंड कर दे आपका कंसीलर, कुछ भी मार्क्स वगैरह नहीं रहे. और कभी भी आपने जो स्पॉन्ज को ड्रैग नहीं करना, बस ब्लेंड करना है, जो डैब डैब मोशन में. ड्रैग तो कभी मत कीजिए, नहीं तो बहुत गंदा लगेगा आपका मेकअप, स्पेशली आई का. जो लेफ़्ट ओवर है वो मैं अपने जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है वहाँ अप्लाई कर रही हूँ. लाइक दिस अब आप देख सकते हैं 50% आई मेकअप मेरा हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर एंड दैट हैक. और फिर मैं इस पूरे बेस को सेट कर लूँगी अगेन विद दिस लूज पाउडर, बिकॉज लूज पाउडर इज़ वेरी असेंशियल इन रेनी सीज़न. इससे आपका जो मेकअप है मैट फिनिश रहती है. एंड अंडर आई में तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स रहते हैं, कई मेरे तो काफ़ी दिखते हैं. तो मैं इसको कंप्लीट 1 मिनट तक बेक करूँगी, बेक इन द सेंस कि आई मेकअप जिससे मेरा ठीक रहे, ज़्यादा लाइन्स ना दिखे अंडर आई में. तो 1 मिनट बेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छी मैट फिनिश रहे. तो उसके बाद मैं जो एक्सेस है वो हटा दूँगी ब्रश की हेल्प से. नाउ आई शेडो पिक कर रही हूँ मैं ये हुडा ब्यूटी की आई पैलेट से, बहुत ही लाइट सा शेड है, पर्पलिश, बहुत लाइटिश है. तो हल्का अप्लाई करूँगी और जितना भी एक्सेस है उसे डस्ट ऑफ करूँगी. और देख सकते हैं बस ये कि लाइटेस्ट सा कलर आपने अपने आईलिड पे अप्लाई करना है ऑल ओवर. बहुत ही क्यूट सा पर्पलिश टोन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर,
क्योंकि मॉनसून में थोड़ा पॉपअप आई लुक बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का आई लुक करना है, बहुत गॉडी भी नहीं करना जिससे आप लगे कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है। मेक इट वेरी सिंपल एंड लेस, क्योंकि जितना लेस मेकअप आप करेंगे उतना अच्छा लगेगा एंड उतना नेचुरल भी लगेगा, क्योंकि लेस इज़ मोर ऑन दिस डे। रेनी सीजन में जितना आप कम मेकअप अप्लाई करेंगे उतना आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। तो आई लैश कर्ल कर लिया मैंने ये, तो नेक्स्ट मैं इसमें काजल यूज़ कर रही हूँ, कलर बार का वाटरप्रूफ काजल। आई लाइनर स्किप करना, अगर आई लाइनर आपके पास वाटरप्रूफ है तो ही अप्लाई करना, लेकिन मैं इस आई लुक में सिर्फ काजल यूज़ करूँगी। इसे मैं अपने अपर लैश लाइन लोअर लैश लाइन में ऐसे अप्लाई करी जैसे आप देख सकते हो। एक कैटी, बहुत ही लाइट कैटी विंग निकालूंगी मैं इसमें विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। ये सब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये वाला आई लुक, और वो भी सिर्फ काजल से ही बना है, कोई भी आईलाइनर कुछ भी यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने जो फिंगर के टिप से इसे आप थोड़ा आगे तक फैला सकते हैं अगर आप जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट वाटरप्रूफ मस्कारा गाइस बहुत मस्ट है, बिकॉज रेनी सीजन में आपका कहीं भी कुछ भी पानी पड़ता है तो आपका मस्कारा बिल्कुल फैल ना जाए, तो इस करके वाटरप्रूफ मस्कारा ज़रूर लगाइएगा रेनी सीजन में, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जनरल अमाउंट ऑफ लगाना है एंड ये नहीं कि एक स्ट्रोक में फिनिश, अच्छे से लगाना ताकि आईज़ आपकी ओपन अप लगे और ब्यूटीफुल लगे। और एक और हैक है गाइस, में अगर आप वाटर मस्कारा के बाद अगर थोड़ा उसे पाउडर से ऊपर लगा लेंगे तो वो आपका मस्कारा कहीं नहीं हटेगा, लगा रहेगा काफ़ी देर तक। तो अब मैं सोची ब्लश भी मुझे चाहिए, ब्लश के लिए मैं ये रोमकॉम लिपस्टिक है के ब्यूटी की अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी मतलब वो थी स्ट्रॉन्ग लिपस्टिक, ज़्यादा प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाई, तो मुझे पाउडर से थोड़ा सेट करना पड़ा इसे ताकि ज़्यादा ओवरडू ना लगे मेरा ब्लशर। तो नेक्स्ट गाइस, थोड़ी मेरी आईज जैसे छोटी हैं तो मैं हमेशा वाइट काजल ज़रूर लगाती हूँ। ये स्विस ब्यूटी की वाइट काजल पेंसिल है जिससे मेरी आईज थोड़ी बड़ी लगे, तो अगर आपकी भी मेरे जैसी आईज है तो आप डेफिनेटली ये भी यूज़ कर सकते हैं वाइट काजल। एंड गाइस, फॉर माय लिप्स आई एम गोइंग टू यूज़ दैट लिप शेड, रोमकॉम शेड है ये, के ब्यूटी का बहुत ही बढ़िया शेड है, मैट है। तो इससे ये भी एक हैक और यूज़ कर सकते हो कि आप अगर लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ा अपना लूज पाउडर या कोई भी रेगुलर पाउडर अपने लिप्स पे अप्लाई करोगे तो आपकी लिपस्टिक का स्टे जो है बहुत देर तक रहेगा, लाइक 6 आवर्स तक स्टे रहेगा आपका। और मॉनसून में तो ये हैक बहुत ही कामयाब है। तो अगर आप कभी भी ऐसा कुछ लिपस्टिक को लॉन्ग लास्ट रखना चाहते हैं तो डस्ट करिए ज़रा पाउडर जैसे मैं इसमें कर रही हूँ, तो आप अपना लिपस्टिक का स्टे देखना बहुत बढ़िया रहेगा। सो दैट्स इट। सो ये रहा मेरा कंप्लीट लुक गाइस, बहुत ही लाइट न्यूट्रल लुक है एंड इस मॉनसून के लिए तो बहुत ही बढ़िया। और इसमें आप हेयर अपने जैसे भी टाइप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, इसमें मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा, पसंद आए तो आप क्या करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक। अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग से मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो डू कॉमेंट मी, ऑल्सो गिव इट अ लाइक शेयर एंड कमेंट। सी यू गाइज़।